सिन चौधरी यूर चू ने डू समथिंग हॉट दिस इज हार्ड टू हॉट आज लकी डे जी आपका भी मेरा भी हम सबका बिकॉज मेरे साथ वो अदाकारा मौजूद है जो कि पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो भी प्रोजेक्ट करती हैं जो भी कैरेक्टर अपनाती हैं उसको इतनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं कि ना सिर्फ अवार्ड्स जीतती हैं बट के मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों के दिल जीतती हैं uh, मैं इस इंट्रो को इतना लंबा इसलिए नहीं खींचना चाहता बिकॉज देर इज सो मच टू टॉक अबाउट सो प्लीज़ जस्ट जॉइन मी इन वेलकमिंग द गॉजस एंड द एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्सट्रीमली Extremely talented, Yumna Yumna. Yumna? Zaidi. assalam. Thank you you so much आसन. How are Alhamdulillah, Alhamdulillah, I'm happy, I'm happy, good. MashaAllah, -on मुलाकात हुई थी इसी सोफे पे मैं बैठा हुआ था इसी, पे इसी सोफे पे आप बैठी हुई थी बाल मेरे थोड़े कम थे उस वक्त मेरी गंज हुई थी, <laughs> थी। <laughs> जी जी ऐसे ही था एंड नाउ वी आर मीटिंग इन और in... यही टाइम था ऑलमोस्ट इससे थोड़ा लेट था था दिसंबर दिसंबर 2000 जी जी मैं वक्त वक की बात अच्छा हां वक्त 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 लेट था लेट, लेट था। जी जी आपका शुक्रिया आप हमेशा अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालती हैं उस दिन भी आप 12 घंटे शूट करने के बाद आई आज भी आपका एक शूट कैंसिल हो गया और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आपका फ्री डे है तो प्लीज मुझे टाइम दे दें आपने फौरन हाँ कर दिया थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया हसन और मुझे आपकी आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे ख्याल से इनकार से ऑनवर्ड्स आप जो है वो प्रोजेक्ट्स मेरे फॉलो कर रहे हैं तो आ, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किरदारों में मुझे तो ये कि मुझे अच्छा लगता है जब आप कैरेक्टर पर बात करते हैं प्रोजेक्ट पर बात करते हैं गपशप लगा के अच्छा लगता है तो मैं यही सोचा था कि जब

आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट ईयर एंड in 2019 I signed. I usually do two projects a year and that was the year I signed four projects जो uh, कि अभी आपने मैंशन किए जिसमें एक कैमरे था जही नसीब और राजफत प्यार के सदके और दिल नाउमीतनी तो और इतफाक़ से 2020 में मैंने कुछ साइन नहीं किया बिकॉज ऑफ कोविड तो वो अल्लाह की तरफ से अच्छा प्लान बन गया और बेहतरीन साल गया मुख्तलिफ़ कैरेक्टर किए और सारे बहुत डरते डरते किए और दिल ना उम्मीद तो नहीं से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो फीडबैक मुझे आ, मेरी बहुत प्यारी और जेनविन ऑडियंस देख रही हैं और उसको पसंद कर रही हैं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और दिल ना उम्मीद तो नहीं आ, जब हमने शुरू किया था वो आ, उसमें ब्रेक आया आठ नौ महीने का अभी जो एपिसोड्स चल रही हैं हसन आप लोग देखें उसमें मेरा चेहरा जो है वो हेल्दी मोटा हुआ हुआ है वो मैं आई कोविड के नौ आठ नौ महीने अमेरिका में गुजार के अच्छा। जो सब बैठ बैठ के हम लोगों ने खाने खा खा के तो वो कंटिन्यूटी जंप भी था और आ, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको मैच करना क्योंकि जितनी एक्सट्रीम एक के इमोशंस इसमें सुबल के थे जब वो शेल्टर होम पहुंचती है

स्पेसिफिकली सेक्शुअल असोल्ट जैसे मौजू के ऊपर बेशुमार ड्रामे है। बनते हैं मेरी और आमना की अक्सर जब हम रिव्यू भी कर रहे होते हैं हमेशा से कंप्लेंट ये होती है कि hmm. इतने वो हैवी हो जाते हैं हमारी नर्व्स के ऊपर इतना वो तारी हो जाते हैं कि टाइम्स वी स्टॉप वाचिंग देम बिकॉज अनबेरेबल हो जाता है एज अ और क्योंकि इतनी कहानियां होती हैं और फिर उनकी इतने ड्रामों में इतनी कहानियां कि बंदा तंग आ जाता है बट दिल ना उम्मीद तो नहीं कि खासियत खसूसियत सबसे अहम बात hmm. यह है कि वो आपकी नर्व्स पे उस तरह से तारी नहीं होता कि आपको डरा दे और आपको बोले कि बस यार आई वॉच इट कीप्स यू सो Well, सबसे पहले जब यह प्रोजेक्ट आया था आपके mm -hmm. पास और आपने इसको ऑन पेपर पढ़ा आमना मुफ्ती साहबा ने लिखा है अभी जो आप बात करे थे कि बाकी जो सोशल uh, इशू पे होते हैं वो इतनेवी होते कि वो डायजेस्ट ऐसे नहीं हो पाते और आप लोग तो इसकी एक खास वजह दिलना उम्मीद uh, तो नहीं कि यह है एक तो इतना लंबा नाम है इसका <laughs> इसकी खास वजह यह है कि काशिफ आ, काशिफ भाई काशिफ नसार जो प्रोजेक्ट्स जो भी बनाते हैं वो बेचने की नीयत से नहीं बनाते कि वो बिकें वो एक वजह है आमना मुफ्ती ने बहुत ही अच्छा लिखा आ, मुझे पता था कि ये आई डोंट नो बाकी सब एक्टर्स का क्या चॉइस होती है चैनल्स को लेके बट मुझे मालूम था कि ये आ, किसी

तो दैट वाज द ओनली प्रोजेक्ट भाई ने खुद कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट है और ये आपने करना है और उसमें लाइक like, होली सोली मेरा नहीं था उसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि उसमें दो और ट्रैक हैं और एक ट्रैक वो है वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उस सीरीज की आ, मैंने बहुत क्योंकि हसन एक जब आपकी टीम बन जाती है ना तो आप एक ट्रस्ट पे चलते हो पिछले चार पाँच सालों से या फिर अरूप्रिंद के साथ काम कर रही हूँ या फिर मैं काशिफ निसार के साथ काम कर रही हूँ तो मेरा ट्रस्ट लेवल ऐसा था कि वो आमदा मुफ्ती के साथ मैंने पहले दो प्रोजेक्ट्स किए थे जुगनू और उल्लू फरोख जी तो आ, आ, मुझे आइडिया था कि अगर काशिफ भाई कुछ करें और प्लस मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि ये एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर था अब जिस तरह की मेरी मेरी पर्सनालिटी है या जो मेरा चेहरा है या मेरे हाथ हैं मुझे ये पता था कि आ, मुझे कहीं और से तो ऑफर नहीं होगा क्योंकि एक ख़ास नज़ाकत और वो चाहिए होती है एक प्रोस्टिट्यूट के कैरेक्टर के लिए चूज़ करता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर लेकिन एज एन एक्टर आपकी एक बकेट लिस्ट में होता है कि आपने ये ये कुछ ना कुछ एक करना है तो आ, मेरे चेहरे उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कोई ऑफर तो मुझे जब ऑफर हुआ ना तो मुझे सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि ये एक प्रॉस्ट्यूट पार्टी गर्ल का एक है तो वो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी थी मैंने सिर्फ पहला एपिसोड जो कि मुझे बहुत ज्यादा एकदम से समझ में नहीं आया था क्योंकि उसमें अल्लाह रखी और सुंबल का साथ साथ ट्रैक चल रहा था एग्जैक्टली exactly. और क्योंकि हम और भी मैं और प्रोजेक्ट्स कर रही थी बन रहे थे तो वो ये होता है एक कैरेक्टर को निकल के आप पूरे स्क्रिप्ट को टाइम नहीं दे सकते तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत पूरा नहीं पढ़ा था ये बट आई ट्रस्टेड काशिफ निसार एंड आई ट्रस्टेड आमना मुफ्ती और वो बस अच्छा दिस नाउ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर ट्रस्ट ऑन के एज ए लीडिंग एक्ट्रेस एंड इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आप पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में आज आपका नाम होता है शमार होती हैं आप एक ऐसा प्रोजेक्ट करना जो कि आपको पहले से ही पता है कि टॉप थ्री चैनल्स में नहीं चलेगा ये एक बहुत मेरे लिए सोचने की बात थी फिर ऊपर से आपको ये भी पता है कि इसमें दो ट्रैक्स और भी हैं जी। और इट्स नॉट इवन लाइक कि ऑफ हर हर मतलब बीट कम्प्लीटली you know, प्रोस्टिट्यूट तो हुँ। ये, ये तीन कंसर्न होने के बावजूद द फैक्ट के आपने हामी भरी और आपने ये प्रोजेक्ट वाकई में किया ये पूरा क्रेडिट काशी भाई को जाता ये ट्रस्ट है जो की जब मैंने डरसी जाती है सिला किया था तो काशिफ भाई ने उसके लिए आ, मेरी कास्टिंग के लिए फाइट की थी कि युना कोई लें और उन्होंने मुझे कहा था कि पुत्र वेट कम करना है <laughs> और, आ, आ, और उस पर मुझे मेरा काम काफ़ी रिकगनाइज़ किया लोगों ने मुझे अवॉर्ड भी मिला फिर इनकार तो जब आप कोई एक इंसान आपकी स्ट्रेंथ जान ले एज एन एक्टर तो फिर आ, इतना तो ट्रस्ट करना बनता है और फिर यू you नो know, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी उस साल मैंने चार प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे तो मुझे पता था कि आई एल बी ऑन द चैनल्स आई एल बी ऑन हम टी वी आई एल बी ऑन जियो मेरे हम से दो आएंगे जियो से एक आएगा तो मैंने कहा था कि कोई नहीं और हाँ ये बात मैं पहले भी मैंशन करती हूँ जो सोशल कॉज uh, पे होते हैं वो एक तरह से मेरे मेरा एक्टिंग का उसका सदका करके निकलता है उसमें मेरे कोई वो नहीं मेकअप होता uh, पैसों पे ज़्यादा डिमांड नहीं करती है पता चले प्रोड्यूसर्स मुझे सोशल कॉल प्रोजेक्ट्स ऑफर करें कम पैसों में तो ये कि मेरा मैं बहुत ज़्यादा उस पे नहीं करती क्योंकि अगर लेकिन, आप हुँ। हुँ। लेकिन आपकी सॉरी बात काट लेकिन क्योंकि यमुना आपकी नीयत इतनी अच्छी है प्रॉब्ली दैट्स वाई इट्स कम आउट एज सच ए बिग सक्सेस एक्चुअली हम आइडिया बिल्कुल नहीं था सोचे हसन आठ नौ महीने का ब्रेक आ जाए भी हो जाते हैं एक्टर्स चार और चीजें कर रहे होते हैं तो इसकी टाइमलाइन क्या थी जब हम दिसंबर 2019 जनवरी में ये शूट कर रही थी अब ना उम्मीद तो नहीं जी 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 फिर कोविड की वजह से ब्रेक आ गया बिल्कुल है फिर थे। थे। देन यू स्टार्टेड अगेन इन व्हाट सितंबर अक्टूबर हाँ बिल्कुल और नौ महीने के बाद हम लोगों ने किया था अक्टूबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर जी 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 अभी ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये रैपअप कब किया आपने बस ट्वेंटी डेज का काम था अच्छा, रह गया था दिन रह थे सिर्फ थे। दिन सिर्फ का काम रह गया था जो भी अच्छा, कुछ के और वो था, जो मेरे यासरा के साथ और वो पार्टी वाले वो तब था पैरल मैं और उमेर उमेर भाई और हम लोग जो है पहले प्यार के सदके पे मिलते थे और फिर हम लोग उस पर मिलते थे और वो कहते थे कहते थे कि ये कौन हो तुम कौन है तुम <laughs> क्योंकि उसमें माजुवीन का कैरेक्टर तो वो एक साथ ही दोनों रिकॉर्ड हो रहे थे वो पैक होके ऑनर हो गया और ख़त्म भी हो गया प्यार के साथ के और ये बेचारा थोड़ा कोविड की वजह से अच्छा ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अब यमुना के जब इतना एक आ, इस तरह का कैरेक्टर निभाना जो कि इस तरह इतनी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है तो पहला सवाल तो ये भी बनता है कि जब कोई एक्टर इस तरह का कैरेक्टर प्ले करता है तो क्या वो जो कैरेक्टर के साथ जिंदगी में हो रही हैं, वो एक्टर की के असर होती है हैं? होते हैं थोड़े बहुत आ, जैसे हम लोगों ने वो पार्टी का जो शुरू के एपिसोड का सीन था और जब हम जूनियर आर्टिस्ट बुलाते हैं और एक पूरे पार्टी का माहौल बनाते हैं तो मैंने तो भाई बड़ा मेरे तो बिल्कुल अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी ये सारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है मैं सिर्फ कुछ महीने एक ड्रामाई शक्ल में इसको शूट कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह दिखाया गया है यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का आ, सारा सिलसिला आजकल का दौर का दिखाया हुआ है ये अब पता नहीं कुछ चैनल्स पे उमराव जान अदा के टाइम की वो नजा वो चल रही हैं अभी तक बट ये कि अभी कोठा कल्चर हाँ कोठा कल्चर वो कोठा कल्चर में फंसे हैं अब तो हाँ अब तो भाई मॉडर्न हो गए सब ऐसी लड़कियाँ टिप टॉप होती हैं जैसे दिखाया जीन शर्ट पहन के बाल शाल बना के तो असरअंदाज तो नहीं होता बट ये कि वो पार्टी का सीन करवाते हुए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहुत सोशलाइज नहीं करती तो वो जो एक सीन था तो वो करते हुए जरा मुझे हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जिंदगी नहीं है मेरी कुछ You know, इसलिए हैवी सीन, ने कर दिया शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया नो शी फाइंड समथिंग जो उसको बचपन की याद दिलाती है एक उसका टॉय था या हाँ, कोई चीज था घोड़ा हाँ, और वो फिर घूमती है जिस तरह से हाँ, हाँ, और पैर मारती है वो सो so चिलिंग के देखते हुए बंदे को एहसास होता है यार कि ये इस एक्टर ने निभाया इसके लिए कितना मुश्किल होगा बिल्कुल हो असर असर ऐसे तो नहीं होता लेकिन मैंने कुछ ऐसे रिव्यूज़ सुने जो कि वो कह वो कह रही थी कि वो तारीफ कर रही थी कि यमुना इतना भाई ऑफ टू हर कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही और ये वो और पता नहीं उसको कितने थेरेपीज़ के सेशनस पर जाना पड़ता होगा और उसको पता नहीं उसका क्या ऐसा कतन नहीं है हसन आप यकीन करें कि कोई इस तरह का सीन करके जाहिर सी बात है आपकी बॉडी आपका माइंड इन्वॉल्व तो होता है लेकिन वो जिस मकसद के लिए किया जा रहा है अगर वो मकसद अचीव हो रहा है तो यकीन करें कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल या मेरा तस्कीन का जो आ, मुकाम है वो ट्वेंटी थर्टी परसेंट रेज हो जाता है मैं मेरी हैप्पीनेस रेज़ हो जाती है मैं इतनी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि डेढ़ अच्छा अच्छा तो ऐसा नहीं होता कि मेरे दिमाग पे असर हो गया हो या मैं थोड़ा खुद भी ऐसा फील कर रही हूँ या मुझे थेरेपीज के सेशंस पे जाना पड़ा हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं जब वो देख रही थी रिव्यूज वो लोग बहुत तारीफ कर रहे थे लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं, मैं, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी अपनी

सो इट इज ग्रेट कि अगर आप उस तरह से डिस्कनेक्ट इतनी आसानी से कर पाती हैं yeah. जो कि ओनली प्रूव्स व्हाट अ ग्रेट एक्टर यू आर नो दैट इज एक्चुअली हसन मैं तो हमेशा ही कहती हूं कि जो uh, मुझसे अक्सर कभी-कभार कोई डायरेक्टर पूछते हैं कि आप बताएं सीन को कैसे परफॉर्म करेंगे या अगर कोई को एक्टर कहे कि यमुना आप हमारे अब मैं नहीं कर पाती वो एक मोमेंट होता है और वो जो भी होता है वो एनर्जी सब मुझे तो अल्लाह की तरफ से

सारे बड़े जबरदस्त डायरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी भी एक बड़ी इनपुट है समझ है वो जब आपको फिर कास्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के समझ के कास्ट करते हैं पैसे लगाते हैं इतने लगाते हैं तो कोई ना कोई तो चक्कर होगा कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा डेफिनेटली हसन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो बिल्कुल एक स्केच बनता जाता है ऑटोमेटिकली दिमाग में स्केच बनता जाता है और बिल्कुल खाका बन जाता है बिल्कुल टोन पता लगती है टोन आवाज़ का इस्तेमाल आँख मैनरिज्म तो वो सब चीज़ें भी मैं करती हूँ अपनी असल में मैं आपको बताऊँ मैं अपनी सारी अक़ल जो है दिमाग इसी में लगाती हूँ अदरवाइज़ ज़िंदगी में मेरे सब मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई हर चीज़ लिख के जैसे कहते है नहीं है कि नंबर्स गलत बोल देती हूँ कभी कभार डेट्स नहीं याद रखती फ्लाइट्स फ्लाइट मिस कर देती हूँ अमेरिका की फ्लाइट मिस, मिस कर, कर आते हुए अभी एयरपोर्ट से आ रही थी तो आ, कोई और टिकट दिखा दिया वो बेचारी वो 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 जो काउंटर के उस पार वो देखे जाए मैं भी खुतनी देर क्यों लगा रही हूँ उन्होंने कहा मैम आपने वो आप साम्बा टू कराची ट्रैवल करी है आपने लाहौर टू कराची की हमें कोई टिकट दिया हुआ है तो अब ये है कि ये ऐसे भी हो रहा होता है मेरे साथ

मैंने मोस्टली जो पहले कैरेक्टर सारे ड्रामास किए हैं वो uh, एक होता है कैरेक्टर बेस्ड ड्रामा एक होता है स्टोरी बेस्ड ड्रामा तो स्टोरी में आप का कैरेक्टर इतना लाउड जैसे मैंने बाकी पहले अपने सारे लाउड कैरेक्टर्स स्ट्रांग थिक सॉलिड कैरेक्टर्स किए अभी जो मैं कर रही हूँ वो मोस्टली क्या uh, वो है स्टोरी बेस्ड है सीरियल्स इसलिए मैं ज़्यादा भी डरी हूँ जो 2021 में मैंने साइन किए हैं

Like, you know, पूरा जो yes. else also, जिस तरह का ट्रैक अल्लाह रखी का है जो आपने परफॉर्म किया है बट राज तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो मुश्किल ही कहानी है अगर आप राजे में से हमारा कहने कोमल अजीज प्ले करनी थी वो एक स्ट्रांग वो एक नेगेटिव स्ट्रांग कैरेक्टर था बट इवन देन शी वाज आल्सो एवरीवन वाज सर्कलिंग अराउंड मुश्क एंड मुश्कस लाइफ सो दैट आई बिलीव्ड कि वाज अगेन यूमना ड्रिवन या बट ये कि मेरा ज्यादा फोकस कैरेक्टर्स पे होता है कोई 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 ऐसा हो कि कहानी आप देखें प्यार के सदके की जो कहानी थी वो एक रुकी हुई थी हम वो 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 तो वो रुकी हुई कहानी थी

प्यार के कैरेक्टर एंड कैरेक्टर अब्दुल्ला और कहानी है तो वो तो आप अपने कंधों में लेके चलनी है, है वुड से निकलती है सारी जिम्मेदारी यमुना के कंधों के ऊपर दिलना उम्मीद तो नहीं में ठीक है अगरचे यमुना का ट्रैक इज देयर एंड देर आर टू ट्रैक्स इज वेल बट देन यमुना इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ देम ऑल सो so, एकदम से दोबारा जिम्मेदारी यमुना के कंधों में आ जाती है सो ऑल दिस डायरेक्टर्स आल्सो जो आप कह रही हैं प्रोड्यूसर्स पैसे ज्यादा और वो सब कुछ बट एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो नो कि व्हेन दे टेकिंग यमुना दे नो कि दे आर सॉर्टेड ये सारा प्रेशर यमुना हैंडल कर सकती है कर सकती है यमुना ऑब्वियसली कर तो रही है माशाल्लाह हसन जब मैंने एक्टिंग का सोचती थी और मैं कहती थी कि मुझको एक्ट करना है तो आ, मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई साइड कैरेक्टर कोई बहन का या कोई तो ही मिल ही जाएगा मुझे मैंने हमेशा अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट सोचा आ, और आ, लेकिन मुझे एज एन एक्टर स्ट्रेंथ्स पता थी जहाँ तक आपका ये सवाल है भाई इसका जवाब भी जहन में नहीं आ रहा एकदम से जहाँ तक आपका सवाल है तो मैंने जब शुरू किया था ना हसन आ, काम अपना तो मुझे पता मुझे होता था कि मुझे पता होता था कि मैं लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी लाइक अगर मैं देखूँ अपने आप को एज ए फैमिली में भी ना मेरे बहन भाई बहुत

कर काम करना है कि वो नजर आए वो हिट हो वो वो मेरे कैरेक्टर की वजह से हालांकि पहले मुझे कैरेक्टर्स नहीं मिलते थे लेकिन मेरी नीयत हमेशा ये होती थी कि चाहे मुझे आ, कुछ रिजेक्टेड चीज़ भी मिलेगी चार लोगों से रिजेक्ट हुई हुई चीज़ भी मिलेगी ना मैंने उसमें अपनी इतनी एफर्ट डालनी है कि वो आउटशाइन करे चीज और फिर इवेंचुअली मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए कि वो लाइक like, वो स्ट्रांग कैरेक्टर्स वो किसी और को ऑफर किए बगैर मुझ तक पहुंचते हैं स्क्रिप्ट्स या मुझे ही मिलते हैं uh, और जहाँ तक बात रही इसकी uh, जो मैं उसकी बात कह रही थी कि मेरे बहन भाई पर चकलें मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हसन अगर मैं अपनी पिछली पिक्चर्स और देखती हूँ पर्सनैलिटी आपका ना एक सर्टन एज के बाद आपके, आपकी नीयत और आपकी दिल की चीज़ें ना आपके चेहरे पर आना शुरू होती हैं जो आपने गेन किया होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसकी वजह से भी मेरे चेहरे पे आ, मुझे ऐसा लगता है है एज लाइक देखने वाइज मैं बेकर का हुई हूं। का नूर का नूर आ रहा है। पता है नहीं का नूर है, एक, पता है नहीं का अच्छी तरह से एज कर रही हूं। और वो मुझे चीज बहुत ही अच्छी लग रही है मैं आपका काम फॉलो करता आ रहा हूँ हमेशा ही मुझे बहुत खुश शक्ल लगी है और अगर है। वो आपको पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि और बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो मतलब मैं उससे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूंगा बहुंची बहुंची बट युमना एक और बढ़िया आपने ये मजे की बात बताई कि आपका हमेशा से फोकस इसी चीज के ऊपर था कि मैंने किसी को और किसी चीज के थ्रू नहीं बस अपनी परफॉरमेंसेस से मनवाना है जी मुझे एज़ एन एक्टर जब आप इसी थॉट के साथ एंटर हुईं हां जी तो इज दैट द रीजन व्हाई यूर सच अ गुड एक्टर बिकॉज़ एज़ फार as एक्टिंग इज कंसर्न द स्किल इज कंसर्न यू हैव नॉट हैड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इट्स नॉट लाइक यू हैव डन थिएटर बिफोर यू हैव डन टेकन क्लासेस एक्टिंग क्लासेस दैट्स ट्रू ऐसे ही है मुझे होता था, था चाहे मुझे मिट्टी भी मिल रही है ना मैंने उसको सोना बना के निकालना है क्योंकि uh, कंपटीशन वो टाइम था जब मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी ना हसन वो टाइम था जब आ, ड्रामा इंडस्ट्री का वो हम सफ़र तब नया नया हिट हो के चुका था 2012 के बाद की बात है और वो तब ज़रा आ, बूम ले रही थी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री और हमारे ऑडियंस देख रहे थे तो मुझे ये था कि मैंने जो है ना बस अपने कैरेक्टर को ऐसा बना देना है कि वो लोग फॉलो करें देखें बट uh, कोई ना कोई ट्रेनिंग ग्राउंड तो होता है एक्टर्स का भी

और मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो एक खाका बनता है और फिर डायरेक्टर से आ, डिस्कस करती हूँ प्रोड्यूसर से राइटर से अगर वो हम लोग सेम पेज पे होते हैं तो तो जैसे आ, हम दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात कर रहे थे गोइंग बैक टू इट आपने बताया कि आपने कुछ पार्ट शूट किया जनवरी दिसंबर में फिर आठ महीने का गैप आ गया नौ महीने का एंड देन यू वेंट बैक ऑन सेट एक कैरेक्टर लाइक सुबल इसकी कोई जैसे हम कपड़ों की कंटिन्यूटी की बात करते हैं इसकी इमोशनल कंटिन्यूटी भी तो हो गया है सुपोज डेफिनेटली सुंबल जैसा जो कॉम्प्लेक्स एक जिस जर्नी से गुजर रही है ये लड़की वो इमोशनल कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया नौ महीने बाद आप आई हैं सुंबुल तब तक भाग के आ चुकी है उस घर से कोठी से और उसकी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन है वो ड्यू टू द इंजेक्शन एडिक्शन वाला सीन जो मैंने आपको उसे मैसेज किया मैंने कहा यार हाउ डिड यू डू इट सो नाउ यू टेलिंग मी दैट देयर वाज अ नाइन मंथ गैप एक्जेक्टली मेरा फर्स्ट डे था 9 महीने के बाद वो जो सीन 2016 एपिसोड में अभी चला है जो शेल्टर होम में हाँ, वहाज हाँ के साथ है वो रिक्शे वाला वो कहती वो? है कि मेरा जो है वो आ, मुझे आदत हो गई इन गोलियों की और फिर वो वहाज के साथ वाला भी रक्षे के साथ वाला और अभी जो 15 और 16 एपिसोड में चला ना वो हमने एक ही दिन शूट किया तो बीबी मुझे ये समझाएं जरा आप कि नौ महीने का आठ नौ महीने का गैप Hmm. इतनी इंटेंस एक कैरेक्टर की जो मोमेंट आनी है टू पिक इट अप राइट फ्रॉम वेयर एंड एज अ व्यूअर वी आई एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया दैट इट इट वाज आफ्टर द नाइन मंथ ब्रेक दैट यू वेंट टू दिस सीन आई वाज लाइक यार ये तो कितना सुंबल की जर्नी का एक उसका मतलब ये तो पीक है ना Exactly. Exactly. So भी भी? <laughs> <वही> <laughs> तो 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 ये फिर वही मैं कह रही होता महीने के बाद ना चलता हसन नहीं है है इसीलिए तो चल गया God -gifted, natural. God -gifted है, और honestly speaking, जो वो वो सारे करवाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्टेड लगेंगे वो ज्यादा मैंने हाई नोट पे कर दिए मैं आई वॉज नॉट सीन्स क्योंकि क्योंकि एक एडिक्शन हसन वैसे ही आप अगर वैसे ही आप कोई दवाई लेते हैं कुछ कभी कभार एंटी एटी uh, की लेते हैं या एंटी डिप्रेशन लेते हैं और वैसे ही आप भी देखें कि वो आपकी uh, जब बॉडी से फ्लश आउट करती हैं वो वो जब वो नहीं रहता उसका केमिकल इम्बैलेंस चीजें होना वो सब चीजें मैंने जिंदगी में कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं की कर, और ना एडिक्शन हाँ तो, तो इसलिए मुझे exact, ने, 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 kidding, नहीं 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 कोई एडिक्शन कभी एक्सपीरियंस नहीं की या तो तो उस चीज को मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत हाई नोट पे कर दिया पता नहीं वो यू यू करना और वो रोना और उसको आवाज का लेकिन जब वो सारा सीन्स बनते हैं तो हमने अच्छा कैसे किया अब जैसे वो आप कह रही हैं हाथों को यूं करना और और मैंने करना... कोई विक्स नहीं लगाई थी आंखों में नहीं लगाई सब लोग कहेंगे क्या हो गया यूं ना नहीं लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं तो बट सो देर वॉज नो इंस्परेशन बिहाइंड दिस ऑल्सो कि यार कि ऐसे करना या कि कोई सीन देखा था किसी ने ऐसे किया था तो, तो कैसे आपने विजुअलाइज कैसे किया इसको काशी भाई ने कोई क्यों दिया कि ऐसे कर लो मैं आपको बताऊं काशी भाई ने जब मुझे स्क्रिप्ट दिया और उसके बाद क्योंकि उससे पहले मैंने उनके साथ किया था दर्जी जाति सिला इनकार और मेरा खुद भी सेट पे बड़ा प्रॉपर बिहेवियर होता है एक तो खामोश और बस काम की से काम की बात किसी से कोई एक्स्ट्रा हंसी मजाक वो नहीं खास मैं काशी भाई के सेट पे बस वो मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ वैसे ही मैं अपने काम का एहतराम करती हूँ सर अब तो हल्ला गुला तो वैसे काम पे हो जाता है हंसी मजाक हल्ला गुल्ला हंसी मजाक प्यार के सबके में हमने बहुत किया था लेकिन वर्क इन्वायमेंट uh, होता है ना हसन uh, तो अब ये होता है कि एक हर किसी से ना एक इमोशनली सेफ डिस्टेंस हर एक्टर के साथ रखना बड़ा ज़रूरी है जिसके साथ जितना डिस्टेंस मेरा स्क्रिप्ट में है उतना ही डिस्टेंस में रखती हूँ अच्छा ऑन सेट जी आप ज़्यादा तो फोस हो तो जाए नहीं 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 और नहीं, 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 नहीं हर कोई समझता है प्रोफेशनल हम इन्वायमेंट होता है और आप समझते हैं कि आप एक ख़ास और दूसरे कि मेरी अपनी पर्सनालिटी बहुत बेवकूफ़ाना हंसी मजाक मेरी वालदा साहिबा कहती है कि तुम्हारी दिमागी उम्र तेरह साल और अब तो बिल्कुल बारह साल की हो गई हो तो इसलिए ज़रा मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा असल पर्सनालिटी ना ही मैं ज़्यादा अपने काम की जगह पे दिखाऊँ लोग फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाएँ या जज करना शुरू हो जाएँ तो जब इंसान चुप और ख़ामोश रहता है तो वो सोचते हैं कि अच्छा तो ये होता है और काशी भाई का वैसे ही उनका सेट का माहौल ही जरा थोड़ा संजीदा होता है वो खुद बड़े संजीदगी से काम करते हैं काम के हवाले से बात होती है तो कमिंग बैक टू तो वो ये था कि जब काशीभाई भाई के साथ मैं पहले आई थी तो मैं बड़ी रिजर्व रहती थी और इसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी आपने इंटरव्यू भी किया था काशीभाई भाई का जी कि जी।, जी वो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसकी खुली और बेपरवाह होगी और आठ नौ साल से वो उस जगह पे है तो आ, जब मैंने आ, वो किया तो ज़रा काशीभाई भाई ने मेरी तरफ देखा ऐसे कि अच्छा कि वो ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मेरे ज़रा थोड़ा अच्छा नाइस गर्ल एंड शरीफ बच्ची वाला इमेज उन लोगों के सामने है तो आ, बस वो एक आ, ब्रीफ दे देते हैं और ये वाले सीन्स जो थे बस खुद ही हसन अब यही जवाब है मेरे पास <laughs> मैं कोई और साइंस नहीं निकाल सकती इट्स एक्चुअली द मोमेंट और आ, आ, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी मोमेंट आमना मुफ्ती ने जैसे अल्फाज लिखे हुए जैसे स्क्रीन प्ले लिखा हुआ और बस अल्लाह ताला की तरफ से है चलो ये हमने एस्टैब्लिश कर है। लिया कि अल्लाह ताला की तरफ से आमद होती है गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और आपको कुछ पता नहीं होता बस ये सारी चीजें खुद ही हो जाती है बट एक चीज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है दिल ना उम्मीद तो नहीं का रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने भी शुरू में बात की कि टॉप थ्री हमारे बड़े चैनल्स पे ड्रामा नहीं चला बट इसकी पहली चंद किस्तें यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड की Hmm. जिस किसी ने देखा पशुमूल हमारे hmm. वो तारीफ के बगैर नहीं रह सका आई टिल डेट डू नॉट नो ऑफ वन पर्सन एंड वी गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक ऑन आवर रिव्यूज एंड ऑन आवर YouTube चैनल hmm. कि किसी ने भी ये बात की हो कि यार मैंने ये ड्रामा देखा मुझे नहीं अच्छा लगा हां जी मैंने यमुना की परफॉर्मेंस देखी मुझे नहीं अच्छी लगी hmm. hmm. ये सोशल इशू क्या ऑफ आई हैव हैड इनफ ऑफ इट नॉट अ सिंगल कमेंट उम्मीद नहीं कि जो देखता है वो तारीफ के बगैर नहीं रह पाता हसन आप यकीन करें आ, आ, हमारा ट्रैवल होता है कहीं कभी यूनिवर्सिटी में शूट हो रहा है कभी आप कहीं बाहर हैं वो तो जब लोग मुझे आके कहते हैं और यंग लड़के लड़कियाँ और लोग आके कहते हैं कि हम आपका दिल न उम्मीद तो मैं कहती हूँ बाकी आप लोग देख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा मुझे ऐसा लग रहा होता था कि ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे उसकी आ, आ, हकीकत बात है कि उसकी आ, वो व्यूअरशिप नहीं है जो होनी चाहिए लेकिन वो एक ख़ास ऑडियंस के देखने वाला है वो लोग देख रहे हैं आ, मुझे खुद नहीं आ, ये मैं पूछती हूँ अच्छा आप लोग देख रहे हो मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ बहुत बाजौक लोग देख रहे हैं और आ, मुझे खुशी होती है कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और वो हमने किया है प्रोजेक्ट आप हसन, उसमें एक घंटे -एक एक -एक अच्छा। के बाद, बाद अपलोड होने के बाद मैं उसको एज अ व्यूअर खुद बड़ा कर रही करी और मुझे viewer, काम कर रहे हैं। viewer, काम, viewer, कुछ खामिया नजर आती है आपको किसी की या एक एक्ट्रेस है युमना जैदी बड़ा अच्छा उनका किरदार है उनकी कोई आप देखते हुए आपको होता है कि यार नहीं परफॉर्मेंस सही नहीं है इस लड़की की नहीं गलती मैं सोच एज ए व्यूअर देख रही हूँ कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कहीं एक नहीं मेरा अपना प्रोजेक्ट है ये ये वजह नहीं है कहीं एक जगह नहीं आप में नवीद शहजाद जी जो हैं उनका आप देखें उनका पूरा मैनरिज्म आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें वो कहाँ मजबूर हो रही हैं कहाँ उनके वो लड़कियों को काम पे भी भेजती हैं यासरा रिजवी की आप कहके उनके साथ मैंने कहके इतने लगाए उन्होंने भी बड़ा मुझे सपोर्ट किया है उसमें जो केमिस्ट्री है यासरा ख़ुद बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बहुत ही मज़ा आया मुझे काम करके उमेर राना का देखें एक बिल्कुल ही आप अभी आगे आगे भी देखिएगा बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर उनका निकल कर आएगा छोटा जिम्मी अपना साधून वो छोटी अल्लाह रखी वो नीता मैं कहती हूँ इतना प्यारा काम मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है सब उनके जो अल्लाह रखी के फादर हैं वो उन्होंने क्या कमाल काम किया है मैं कहती हूँ वो पूरा का पूरा जो है ना मैं अक्सर कमेंट्स में देख रही होती हूँ तो लोग कहते हैं कि मुझे मास्टर पीस फैज चौहान फादर का रोल कर यस yes, तो मुझे तो बेहद खुशी होती है कि आई एम और सबसे ज़्यादा वो जो वो हैं वो जो आते मौलवी साहब <laughs> काशिफ <laughs> काशिफ महमूद साहब महमूद साहब का कैरेक्टर और वो सबिया मुमताज जी वो बच्ची है सारी मैं कहती हूँ मुझे तो खुद एज ए व्यूअर मैं बड़ा एडमायर करती हूँ उन सबके काम को। नो यूर एब्सोल्यूटली राइट और यूम ना वही बात आ जाती है कि जब एक इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर ड्रामा बनता है उसमें अगर कोई हुक ना हो तो फिर तो फायदा नहीं है अब इसमें जो अभी आप बात कर रही हैं कि जैसे उमेर राना का कैरेक्टर है जुल्फी

obviously I wouldn't want you to give it the plot but और नुमान नोमी भाई के ऊपर नुमान इजाज पे भी उन पे तो उंगली उठ रही है उंगली उठ रही है और जो है वो पूछा जा रहा है तो मैं कह रही थी आप देखिए मैं मम्मी को कह रही थी आप देखिए आगे आगे अच्छा जो आंटीज तो? आल्सो आस्किंग यू कि क्या है? जी जी वो सब पूछ रहे होते हैं कि क्या है तो मैं कहती हूँ मम्मी पहले एक साल का का है और वो लोग इतना छोटे छोटे सवाल में कहते मुझे अभी खुद भी याद नहीं यार आप लोग मुझसे लेकिन ये कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग बड़े थॉरली एंजॉय कर रहे हैं लॉन्गेस्ट प्ले या इसकी किस्तों के बारे में आप बता सकती कितनी so, है आई थिंक ट्वेंटी टू तो ऑन पेपर थी

यानी कि प्रॉपर हमने अल्लाह रखी और सुंबल बन के हमने सो आर यू सेइंग दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ नो मेकअप लुक एक्चुअली नो मैं बिना मेकअप के कहीं पे भी नहीं आई हूं उस सीरियल सीरियल में हर जगह अगर उसका ग्लैमरस भी हुआ है मेकअप है अगर उसका भी ये जो ये बेस के बाद हालत है इसमें भी पूरा मेकअप हुआ dark, dark है डार्क डार्क सर्कल्स बने हुए हैं वो

डेफिनेटली uh, um, उन्होंने uh, जंजबील जी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा था फ़ारूक भाई ने एक एक उसके जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मैं फ़ारूक भाई बताते थे दादा जैसे बताते थे वो मैं वैसे करती थी uh, लेकिन रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे जिनको uh, हम बचपन में एक होती थी एक हमारी हेल्पर होती थी uh, वो बिल्कुल वैसी ही होती थी वो ऐसी ही होती थी तो वो मेरे दिमाग में नक्श थी अच्छा ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप कैसे करती हैं मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है मैं जे इतनी आदत है लोगों को देखने की कहीं पे मैं ट्रैवल कर रही करी हूं, गाड़ी में भी सिग्नल पे भी रुकती है गाड़ी तो मैं देखती हूँ क्या मैनरिज्म है कैसे लोग बैठे बात कर रहे हैं हर इंसान में कैरेक्टर छुपाए और कुछ कैरेक्टर थे फैसिनेट करते हैं मुझे तो वो बस वो खुद ब खुद नोट डाउन होते जाते हैं मेरी मेमोरी में तो मैं बहुत छोटी होती थी हम नानी के पास जाते थे गर्मी की छुट्टी में तो वो बाजी होती थी तो वो ऐसी थी बेतुकी बातें बोलनी और इस तरह की तो वो बस आ, ये जो फनेटिक फैंडम है आप जैसे बड़े बड़े जो हमारे स्टार्स उनका लाइक यू नो एक आपका अपना तो है ही बिलाल की भी बड़ी एक फैन फॉलोइंग है मैसिव दोनों दोनों की ये जब आप इकट्ठे आए और वो जो एक्सप्लोजन हुई है एक बिलाल और यमुना के फैंस की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी पिछला पूरा साल हम लोग एक्सपीरियंस करते रहे बिकॉज लोगों ने कहा जी कि यमुना और बिलाल को इकट्ठे बुलाएं उनका इकट्ठे भी इंटरव्यू करें ये जो केमिस्ट्री आप दोनों की डेवलप हुई इसके पीछे क्या रास्ता मैं मुझे मैंने तो बिलाल के साथ काम किया मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई उसके काम से उसके क्राफ्ट से क्योंकि सबसे पहले तो उसका शुक्रिया कि उसने मैंने पहले भी मेंशन किया कि उसने अब्दुल्ला के कैरेक्टर को पिक किया क्योंकि प्रोड्यूसर इनिशियली अब्दुल्ला बिलाल को ही चाह रही थी एज़ अब्दुल्ला लेकिन अ, क्या उसे कहते हैं अ, बहुत सारे और भी लड़कों को ये ऑफ़र हुआ और उन्होंने रिजेक्ट किया इसलिए क्योंकि महाजबीन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत लाउड था इस वजह से दे थॉट कि वो शायद exactly, कर जाएगी एग्जैक्टली exactly. तो बिलाल पे तो तो मैं बहुत उसका शुक्रिया करती हूँ कि उसने इस कैरेक्टर को आ, पिक किया और इतने मेरे हाइपर कैरेक्टर के साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया और आ, Um, बस वो बड़ी सच्चाई से एक्टिंग करता है बिलाल मुझे एज एन एक्टर मुझे वो बहुत पसंद है और मैंने उसके साथ एक मुझे अहमद अली अकबर के साथ केमिस्ट्री में बहुत इंजॉय करती हूँ जाहिद के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ अपना बिलाल के साथ मैंने बहुत मैंने फर्स्ट सीरील ही किया था उसके साथ और वैसे वो ऑन सेट बड़ा रिजर्व सा है खामोश अपने काम से काम चुप है वो बट ये कि फिर जो um, um, जो कुछ होते हैं वो कम ही बोलते हैं तो वो डेफिनेटली जैसे आप भी बोलती हैं ना आप सेट पे खामोश रहती हैं हाँ, हाँ, सेट पे तो मैं खामोश रहती हूँ तो शायद बिलाल की भी कोई अदर साइड हो जो हमने शायद अभी तक नहीं देखी यू नेवर नो वैसे सीरियसली राजू उल्फत अगेन यू वर पेर्ड विद शहजाद एंड गौहर यस वो भी आप उस वक्त शूट कर रही थी जब हमारी आई थोरली एंजॉयड वर्क विद शहजाद सच अ जेंटलमैन बहुत ही नाइस इंसान और गोहर के साथ केमिस्ट्री उस वक्त काम करते हुए मुझे आ, आ, इतनी फी अच्छा शहजाद अच्छा, 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 का मैं एक बात कहती हूँ कि राज उल्फत में जो उसने परफॉर्मेंस दी है मुझे उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई मैं उसका पहले भी काम देखती रही हूँ लेकिन कुछ बहुत ऑथेंटिसिटी कुछ बहुत सच्चाई थी उन सीन्स में और उसके कैरेक्टर में तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा गौहर के साथ जब मैं काम रही थी तो मुझे

आई मीन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वहाज के साथ मैं होंगी यानी कि आता है ना फर्स्ट डे आना वो तो उसकी जो पर्सनैलिटी की वाइब है ना बड़ी लाइट सी है प्लस वो बड़ा डेडिकेटेड है सीन साथ में रिहर्स करने आपका एक्शन रिएक्शन बड़ा जबरदस्त था दोनों मैं कहती हूँ वहाज ने जो आखिरी वाले सीन ये किए हैं

वो क्या प्रोसेस है एआरवाई पे अभी हमने नहीं देखा आपको एआरवाई पे क्यों नहीं नजर आती है आप मैंने एआरवाई से शुरू किया था और अभी इंशाल्लाह 2021 में आप लोग एआरवाई पे मुझे देखेंगे इन और एआरवाई uh, से तो मैंने अपना आगाज़ किया था और बिल्कुल इसके पीछे मुझे होता है कि मैंने किन चैनल्स के साथ काम करना है अगर मैंने एक कैरेक्टर कैसा साइन किया तो मुझे दूसरा कैसा साइन करना है uh, ख़ुद से uh, मैंने uh, बहुत से लोग में मुझे आ, आ, संजीदा किरदार में देखने के आदि हैं और जब मैंने राजीउल किया था तो लोगों ने कहा था कि आपने ऐसे क्योंकि हालांकि मुझे वो बहुत पसंद आया था और मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला था इट वाज वेरी पॉपुलर लाइक माय ओन क्रिटिसिज्म साइड इट वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड आई गॉट अ गुड फीडबैक ऑन दैट एंड आई डिड दैट बिकज फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स आई वाज डूइंग आई ज़हे नसीब नहीं डार्क इनकार डार्क दर्श जाती है सिला डार्क आई वॉन्टेड टू डू जरूरी है हमारी ऑडियंस देखना चाहती हैं और हर तरह की ऑडियंस के लिए काम करना चाहिए कुछ काम आप अपने के से करते हैं, कुछ आप अपनी दिल की तस्कीन के लिए करते हैं कुछ आप एक्टिंग की ठरक के लिए करते हैं तो वो बस वो सब उसके हिसाब से मैं प्रोजेक्ट आएंगी ये बड़ी जबरदस्त बात है की आप ये खुले आम एक्नोलेज कर रही है ये बात की और इसमें मुराद ये थी कि मुझे uh, अवाम ना भूले

मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि हाँ आप वो ऑडियंस बट यू आर क्राउड पुलर अब उस लेवल की तो माशाल्लाह आप हैं कि जहाँ आपकी ऑडियंस को आप ले जाती हैं डिफरेंट चाहे टीवी वी वन इज एन एग्जांपल ना मुझे इसमें हिचकिचाहट नहीं है ये कहते हुए कि शायद अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना होती तो शायद हमारी नजरों से भी गुजर जाता है ये प्रोजेक्ट हमें शायद अंदाजा ना होता बहुत शुक्रिया हसन थैंक यू सो मच और मैं आ, वो आ, आप लोगों का और तमाम लोग जो इसको रिव्यू कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने समथिंग हॉट के रिव्यू में देखा और फिर उसके बाद हमने देखना शुरू किया वो भी आप लोगों का भी जाहिर सी बात है एक पार्ट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार रहे लोग कुछ लोग जो आपकी वीवर्श, वीवर्श भी हैं वो भी आए और और ऑल वर्ल्ड काफी लोग देख रहे हैं इंडिया से देख रहे हैं जो बाहर की कंट्रीज में लोग रहते हैं दिलना उम्मीद तो नहीं देखा जा रहा है तो मैंने नहीं सोचा था कि लोग देखेंगे और उसमें मैंने इसीलिए खुल के खेली थी सिगरेट पकड़ा हुआ पहले हाथ में और गाना गा रही हूँ मैं हाँ, हाँ, मैं हाँ, हाँ. तो कभी मुझे तो लोगों ने बैन कर दिया मेरे ऊपर गाना गाना मेरे को एक्टर्स <laughs> कहते हैं कि तुम बाथरूम बाथरूम में बस हो तो कि वो गाना पंजाबी के उस तरह खुल के तो वो मैं खुल के खेली हूँ आपको पता तो, नहीं यार वो क्या मैं मैं तो बड़ा मेरा तो गुस्सा भी बड़ा थोड़ा मीठा था उनके लिए मैं क्या है बात है बट ये कि क्रिटिसिज्म किसी हवाले का नहीं था आ, मैं खुद करना चाहती थी प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर और ये कि जब आप आ, किसी भी फार्मूला को ब्रेक करके या किसी भी एक ख़ास पैटर्न को ब्रेक करके कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो चीज़ रजिस्टर होती है और ये चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस करके इसका मुझे फीडबैक मिलना शुरू किया तो मैंने इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू किया क्योंकि एक चीज़ जो पैटर्न चल रहा है उसके लोग आदि तो हैं लेकिन आप अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करके आप फॉर्मूला ब्रेक करके काम करते हैं तो दिल ना उम्मीद तो नहीं वॉज कम्प्लीटली लाइक दैट बिकॉज आई हैड नो प्रेशर सिर्फ मुझे एक ये था कि वो मेन स्ट्रीम चैनल्स पे नहीं चल रहा uh, uh, लेकिन मुझे ये था कि मेरे ऑलरेडी चल रहे होंगे ये और, वो डिले हो गया वो अलग बात थी तो मुझे कोई वो नहीं थी कि यू you नो know, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं आप लोग ये लोग कोई देखेगा कि नहीं

हसन बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे अ, मेरे ये एक शवाहिद सीरियल नहीं है जिस पर पैमरा का नोटिस आया पहले डरसी जाती सलाह पे बहुत नोटिस आए राइटर को डायरेक्टर को प्यार के सदके पे नोटिसज़ आए इस पर नोटिस जब आया तो इस पर पता नहीं क्यों जो है ना मेरे दिल को ये बात चुभी और म, 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 मुझे मुझे मेरा दिल किया कि मैं इस पर बात करूँ कि इस सब्जेक्ट पे आप कैमरा का नोटिस आप नहीं दे सकते हैं जिस पे बात हो रही है आप उस पर कैसे आप एक नोटिस दे सकते हैं आप देखें आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है आप क्यों नहीं एक जिम्मेदार इदारा बन रहे हैं किन लोगों की शिकायत हैं और ये किस जिन चैनल्स पे चल रहा है वो एक बड़ा वो वो एक खास तरीके से देख के उन्होंने किसी ना चीज से वो पी पे एक खास 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 चीज़ें चलती हैं उन्होंने कुछ अप्रूव करके किया है तो कुछ रिस्पॉन्सिबल अपने जो आपकी जिस उहदे पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इस्तेमाल करके बेहतर आपको पता है हाई कोर्ट में बच्चों के ऊपर तशद का वो पास हो गया है वो नहीं हो यानी कि वो साइन हुआ है ठीक है।, है बेल पास हुई है तो हम ये काम नहीं कर, करेंगे कौन सा हर ड्रामा इस पर बन रहा है और कौन सा आ, उसमें हकीकत दिखाई भी है पर इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे तरीके से हकीकत दिखाई दी है उसके आप डायलॉग्स देखें कहीं उसमें उसमेंटी नहीं है कोई नहीं किया। कहीं कुछ बेचने की कोशिश नहीं की ये यानी कि इनतहास से ज्यादा मुझे उनका एक नालाइकी का सबूत लगा मुझे बेहद अफसोस हुआ इस बात पे और और क्योंकि वो पी टी वी और टी वी वन पे था इसलिए मैंने उस पर स्टैंड लिया अदरवाइज मैं इतना ज्यादा मैं कहती हूँ ठीक है वो देख रहे हैं चैनल वगैरह जो भी लेकिन आप ऐसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं मैं तो बड़ा कंडेम करती हूँ इस बात को और मुझे बेहद तकलीफ़ हुई थी ये तो फिर आप फिर आप आप और कंटेंट तो देखिए ना तो चल रहा है खुदा की कसम मेरा तो बड़ा खून खुण खोला खुण था अभी मुझे दोबारा उसमें उसी वाइब में चली गई लेकिन जो है वो बस हाउ डू यू असेस कंटेंट जो टीवी पे बन रहा है आजकल आप खुश हैं अच्छा मैं लेकिन मैं आपको बताऊं हसन मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं करके जो है ना मैं बहुत खुश हूँ मैं मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक कैरेक्ट खैर चलिए फिर कभी उसमें बात नहीं, 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 नहीं।, नहीं फिर बात होगी बहुत बड़ी बात है लेकिन फिर बात होगी उस पर यकीन करूंगी इन आपके साथ ही करूंगी यकीनन इनशाला अब आप आता कह दिया आपने ना मा... ना अभी गलत उस पर मुझे एकदम से आपने कहा ना कि वो

बात ऑफ कैमरा तो हम कर सकते ना बिल्कुल, बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल, बस पर, मैं याद मुझे शाहरुख याद कर मैंने ऑफ कैमरा ये बात मैंने ये ये अच्छा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऑब्वियसली कैमरा की तरफ से इस तरह की चीजें आती हैं तो बिल्कुल एक एक्टर और परफॉर्मर के लिए भी ये बड़ा टफ होता होगा बट जब हम आज के दौर में कॉन्टेंट बनता हुआ देख रहे हैं हाउ हैप्पी आर यू

and unfortunately we are not working on good content uh, the channel owners I don't know it's all about TRPs these days and the uh, वैसे तो बेचारा हमारा दिल नई तो अभी गया है अभी सोचे एक महीने के बाद चलने के बाद भी दोनों दोनों ट्रेंडिंग पे गई लेकिन आ, बात ये है कि आ, अभी भी जो मैंने 2021 में साइन किए 20 scripts लिटरली 20 scripts मना करने के बाद मैंने उसको यस बोला जो भी चल रहा है तो ये कि मुझे तो इस बात का बड़ा खतरा होता है कि अब ये क्या क्यों एक अच्छा लेकिन कहीं ना कहीं से अच्छा कुछ ना कुछ आ जाता है एक एग्जैक्टली exactly. लेकिन बात ये फिर आ... ये तो अच्छा रेशियो नहीं है युमना हसन लेकिन आपको मैं बताऊं कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान तो ये बिल्कुल सही कहते हैं जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जिस चीज को ट्रेंड भी, भी well. लंबी डिबेट है लोग yes. कहते हैं है, ये घिसे पिटे सवाल बहुत पूछता हूँ अपने हर गेस्ट से no, no, बट बड़ ये is... बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मुझे है ये पूछने होते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी ज्यादा इस बात को हम रिपीट करेंगे जैसे आप अपने ड्रामों में एक ही तरह की कहानियां रिपीट करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं उनको नॉर्मलाइज करा देते हैं सोसाइटी में इसी तरह अगर मैं ये सवाल पूछता जाऊंगा पूछता जाऊंगा बार बार हर गेस्ट से नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज होगा होगा तो हो तो कहीं कहीं तो ना वो एक्ट्रेस भी साइन करते हुए सोचेंगे कि बारिबिले यार हमारे काम का इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर होता है जिसकी प्राइम एग्जांपल दिल ना उम्मीद तो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। अगर यमुना जैदी ये ड्रामा ना कर रही होती तो हसन और रामना ना देखते शायद रिव्यू ना करते हमने तो टीजर्स देखना शुरू किए थे आई एम बींग ब्रूटली ऑनस्ट नाउ कि वो युमना इज पार्ट ऑफ दैट ड्रामा यू नो सो एंड इट इज अनफॉर्चुनेट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमसे मिस हो जाता अगर तो मैं शायद Bilkul. अपने आप को माफी ना करता कि यार इतना इंपॉर्टेंट ड्रामा मिस हो गया तो वो एक्टर्स के ऊपर आप माने आप ना माने मैं और आप कहें ना कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है नोबडी सेइंग कि आप छोड़ दें बाकी सारे ड्रामे करना और आप अपनी ऑडियंस को बस एजुकेट करें और इन्फॉर्म करें और कुछ ना करें hmm. मेरी काशिफ भाई से जब बात हुई थी उन्होंने hmm. अपने इंटरव्यू में एक बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने कहा एजुकेट करें ना करे ड्रामा इन्फॉर्म जरूर करता है ऑडियंस को बिल्कुल और दर्शी जाती की भी उन्होंने hmm. एग्जाम्पल दी थी बिल्कुल कि इट क्रिएट्स दैट अवेयरनेस अमंग्स पीपल सेम विद प्यार के सदके इट वाज एक्सेप्शनली एंटरटेनिंग बट इट क्रिएटेड दैट अवेयरनेस

डिपेंड hmm. करता है हसन की कैसी स्टोरी आपको ऑफर हुई है क्या स्क्रिप्ट ऑफर हुआ Because है। hmm. कि मैं के उसका बहुत कुछ सोशल इम्पैक्ट इट है

फिर ये दिलना उम्मीद तो नहीं और आने वाला साल भी जो है है उसमें मेरा एक स्क्रिप्ट तो है ऐसा जो कि अब आने वाले साल की आपने बात की है ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं एक प्रोजेक्ट तो आपका ऐसा है जिसके बारे में ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुकी है विच इज आई बिलीव प्रोनाउंस इश्किला हाँ, इश्किला जिसमें आपके साथ सजल हैं अजान समी खान का डेब्यू प्रोजेक्ट है वो उसका पार्ट है जी 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 जी, आप कंफर्म करना चाहेंगे इवन दो इट्स प्रिटी मच कंफर्म बट आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि जी बिल्कुल कैसरा हयात का लिखा हुआ है अमीन इकबाल डायरेक्ट कर रहे हैं और उसका मैं हिस्सा हूँ एम प्रोडक्शन का है और उस पर भी काम हो रहा है इसके अलावा और और इसके अलावा और मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहूंगी um, मुझे ऐसा लगता है कि बस ऑडियंस के लिए सरप्राइज सरप्राइज होना चाहिए खामोशी ऑडियंस अच्छा, के लिए ये बड़ा है कि और सज्जल दोनों एक ड्रामे का हिस्सा है। जी ये बहुत बड़ी एक बिकॉज दोनों आजकल के दौर की really really you you अब मत पूछे ना, कुछ नहीं हैव नहीं नह

एंड एंजॉयिंग दैट सेट एज़ वेल बट व्हाट एल्स हैव यू साइंड जो डिटेल ना बताएं but बता दें कि अरे आजम फिर वो वो एक नाम वो करूंगी तो पता लग जाएगा ना वो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जी जी अभी अनाउंस हो जाएंगे कुछ टाइम में इतने मेजर तो क्या मतलब अगर हो गया मैं आपने अनाउंस कर दिया ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगी मैं आप बता दूंगी ठीक <laughs> <off record> है ऑफ रिकॉर्ड बट हाउ मेनी दे जस्ट टू टू यू आर करेंटली वर्किंग ऑन द मेजर टू

Yes, that's another but uh, uh so that is the actually The Mega project I know about and Ishkila of course I know Yeah, yeah Ishkila. Ishkila. Yeah, yeah. Ishkila. Yeah. Ishkila. Yeah. Ishkila. Okay. Ishkila is Ishk La is no. No, yes, La is So no name. Ishk. That's what yeah, it means. Yeah. That was uh, that's what it's supposed yeah. to be.

आपका किया हुआ हर सीन आपका किया हुआ हर शॉट डायरेक्ट दिल पे जाके लगता है एट जिस वॉन्ट यू सेमराली फिनोमिनल आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मे दे कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल मे दे कंटिन्यू टू टच हार्ट

फीडबैक वो वो करते करते देते हैं उनकी मोहब्बत मुझे ऐसा लगता है वो मेरा हिस्सा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्हें पता है कि मैं क्या चाह रही हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ तो मैं उनके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ और दुनिया के जिस भी हिस्से में हैं मैं उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और मेरे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे सारे फैन पेजेस वो तमाम लोग जो सपोर्ट करते हैं जो शौक़ करते हैं तो मैं हमेशा हर मौके पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे कनेक्टेड रखा हुआ है

और आपसे जो है ना बड़ी डीप कॉन्वर्सेशन होती है और गपशप लगती है तो अच्छा लगता है वक्त का भी नहीं पता चलता बस ये आपका प्यार है और अल्लाह करे हमारा ये प्यार बरकरार रहे रहे हमेशा आ, और हम इसी तरह मिलते विश यू रियली ऑल ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग आई होप हम उनको ना सिर्फ रिव्यू करेंगे तब हमारी दोबारा आपसे मुलाकात होगी उनकी डिस्कशन के लिए क्योंकि अभी तो आपने कुछ भी नहीं बताया उनके बारे में जी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू